हेलो दोस्तों, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि अपने आने वाली वीडियो में मैं ध्रुव की उन कॉमिक्स के बारे में बात करूंगा जो कि मेरी पर्सनल फेवरेट हैं। इनमें से कुछ सिंगल शॉट कॉमिक्स हैं और कुछ सीरीज़ हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली कॉमिक के अगर बारे में बात करूँ तो वो इस डाइजेस्ट के अंदर है और उस कॉमिक का नाम है उड़न तश्तरी के बंधक। और ये ध्रुव की पहली ऐसी कॉमिक थी जिसमें ध्रुव पहली बार फ्यूचर में गया था। हालांकि ध्रुव की दो और ऐसी सीरीज़ आई थी जिसमें ध्रुव फ्यूचर में गया था, जिनमें से एक सीरीज़ का नाम है रोबोट सीरीज़, और उस सीरीज़ में ध्रुव गया था ईयर 2200 के आसपास में। और दूसरी सीरीज़ थी ध्रुव विषय सीरीज़, और उस सीरीज़ में ध्रुव गया था ईयर 5600 के आसपास। लेकिन इस कॉमिक में उड़न तश्तरी के बंधक में ध्रुव गया था ईयर 25,000 में, यानी कि 25,000। और इस कॉमिक का आर्टवर्क और स्टोरी बहुत बढ़िया है। मतलब ये मेरा मुझे बहुत पसंद आई ये स्टोरी, और इसका आर्ट भी काफ़ी आकर्षक है, बहुत बढ़िया है। और दूसरी कॉमिक के बारे में बात करूँ तो वो है बोना वामन से। जहाँ तक मुझे याद है ये बोना बामन का सेकंड अपीयरेंस वाली कॉमिक है, और ये भी काफ़ी शानदार कॉमिक है। और हालांकि मैं डिटेल में इसलिए बात नहीं कर रहा, नहीं तो जिन लोगों ने ये स्टोरी नहीं पढ़ी होगी तो उनके लिए स्पॉइलर हो जाएगा, इसलिए मैं डिटेल में कुछ बता नहीं रहा। तो चलिए दोस्तों, अगली कॉमिक के बारे में बात करूँ तो वो है काल ध्वनि कॉमिक। जो ये भी मतलब जहाँ तक तो मुझे याद है ये ध्वनिराज की सेकंड अपीयरेंस वाली कॉमिक है, और इसमें काफ़ी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी हैं ये। और ये काफ़ी बढ़िया कॉमिक है, और आर्ट भी आप देख सकते हो कितना बढ़िया है। और इस जो ये पैनल है इसमें एक सीक्रेट है, तो इसका जो क्लाइमेक्स है वो भी काफ़ी शानदार था इस कॉमिक का। अगर नेक्स्ट कॉमिक की बात करूँ तो वो है शीतान। और इस कॉमिक में वन पुत्र रिपीट हुआ है, और इस कैरेक्टर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया इस कॉमिक को पढ़े हुए। तो मतलब हालांकि जितने भी कॉमिक्स हैं उन सभी कॉमिक्स को पढ़े हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। इसकी स्टोरी और आर्ट वर्क भी काफ़ी बढ़िया है। जिन लोगों ने ये सारी कॉमिक्स पढ़ी हैं उनको तो पता ही है कि काफ़ी जानदार और शानदार कॉमिक्स रही हैं अपने टाइम में। अगली कॉमिक के बारे में बात करूँ तो वो है दूसरा ध्रुव। इसमें क्या होता है कि एक और मतलब एक एक्टर होता है जिसको ध्रुव की तरह बनने की बड़ी इच्छा होती है, लेकिन इसी वजह से उसको काफ़ी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ता है। और इस कॉमिक में भी काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं, बहुत बड़ी मतलब ये भी बहुत अच्छी सिंगल शॉट कॉमिक है, आपको पढ़ के बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए दोस्तों, ये तो थी सभी सिंगल शॉट कॉमिक के बारे में बात। अब मैं बात करने जा रहा हूँ सीरीज़ के बारे में। तो सीरीज़ में ये है आया चुंबा सीरीज़। हालांकि हाल ही में इसका कलेक्टिव एडिशन भी लॉन्च हुआ है, तो ये भी चुंबा की सेकंड अपीयरेंस वाली सीरीज़ है, और जिसके फर्स्ट पार्ट का नाम है आया चुंबा, सेकंड पार्ट का नाम है चुंबा सम्राट। और ये मेरे पास ओरिजिनल प्रिंट है, और ये मेरे पास 30 रुपीज़ वाला प्रिंट है। और ये देखो आप, स्टार्टिंग ही एक ड्रीम सीक्वेंस से स्टार्ट होता है, और किसी रहस्य में शक्ति की वजह से चुंबा बाहर निकलता है, जिसके बारे में जानने के लिए आपको ये सीरीज़ पढ़नी पड़ेगी। चुंबा सम्राट में हमको मतलब मतलब बस माइनर सा कनेक्शन मिलता है नागराज से रिलेटेड, और उसको भी जानने के लिए आपको ये स्टोरी पढ़नी पड़ेगी। और इसके एंड में जो होता है, मतलब जिन लोगों ने ये सीरीज़ पढ़ी है उनको पता है कि काफ़ी अच्छी सीरीज़ है, और जो एंड में होता है उसके हिसाब से वो करेक्टर जो रेसमे करेक्टर है वो दोबारा रिपीट हो गई होगा। ये देखिए फ्रेंड्स, चलो चलिए दोस्तों, मैं अगली सीरीज़ के बारे में बात करें तो वो है ध्रुव हत्यारा है सीरीज़। इस सीरीज़ में क्या होता है
ग्रैंड मास्टर रोबो और नताशा मिलकर ध्रुव को अपराध की दुनिया में शामिल करना चाहते हैं, जिसके लिए वो ध्रुव को एक ऐसे षड्यंत्र में फंसाने की कोशिश करते हैं जिससे ध्रुव को यही लगता है कि वो एक हत्यारा है। जिसके फर्स्ट पार्ट का नाम है ध्रुव हत्यारा है, सेकंड पार्ट का नाम है शहंशाह। और ये भी फ्रेंड 30 रुपीज़ वाली रिप्रिंट है और फर्स्ट पार्ट ओरिजिनल रिप्रिंट वाली है। मतलब आपको ये सीरीज भी काफ़ी पसंद आएगी। और ये जो एक एक्टर है ये बहुत बड़ा गेम खेलता है। मैं जिन लोगों ने, वही कहूँगा कि जिन लोगों ने पढ़ी हुई है वो पता है कि बहुत पहुँचा हुआ करेक्टर है ये। और सेकंड पार्ट आठ हो गया, आप ध्यान से देख लीजिए आप, इतना बढ़िया है। और वैसे जो ये करेक्टर है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्यमय करेक्टर है। मतलब लास्ट तक आप आइडिया लगा नहीं सकते कि ये कौन है, लेकिन इसका खुलासा लास्ट में ही होता है, जिसके बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा। वो तो आपको ये सीरीज़ पढ़नी पड़ेगी, तभी आपको इस करेक्टर के बारे में पता चलेगा कि ये रहस्य करेक्टर है कौन। अगली सीरीज़ के बारे में बात करूं तो वो है ध्रुव विषय सीरीज़। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना कि ध्रुव विषय सीरीज़ में ध्रुव ईयर 5600 में चला जाता है, और इस जिससे ध्रुव खुद के ही वंश से मिलता है। इसके भी दो पार्ट हैं, जिसके फर्स्ट पार्ट का नाम है ध्रुव विषय, सेकंड पार्ट का नाम है आखिरी ध्रुव। हालांकि अभी हाल ही में इन कॉमिक्स के रीप्रिंट भी आए हैं ध्रुव विषय और आखिरी ध्रुव के। और ये ध्रुव की लेटेस्ट ऐसी कॉमिक है जिसमें ध्रुव ने लास्ट अभी तक लास्ट टाइम फ्यूचर में ट्रेवल किया, और उस टाइम से लेकर अब तक जितनी भी कॉमिक्स आई हैं उस ध्रुव ने अभी तक कोई भी टाइम ट्रेवल या फ्यूचर ट्रेवल नहीं किया है। और कमाल की बात यह है कि इस सीरीज की सबसे खास बात यह है कि जो ध्रुव का जो ये वंशज है ध्रुव विषय, वो ध्रुव से ही जुड़ता है। क्योंकि मतलब चाहे ये ईयर 5600 में हो, लेकिन इसके युग वाले के जो लोग होते हैं वो ध्रुव के ही गुणगान गाते हैं, और ये बात इससे हजम नहीं होती। और मतलब सारा प्लॉट इसी के आसपास घूमता है। और हालांकि लास्ट में सब कुछ अच्छा ही जाता है, लेकिन ये सीरीज़ पढ़ने में ही बहुत बहुत मज़ा आता है। और इस सीरीज़ से रिलेटेड मेरी कुछ खास यादें भी जुड़ी हुई हैं, जिसके बारे में मैं फिर कभी आपसे शेयर करूँगा। ये देखिए दोस्तों, आर्टवर्क मतलब ठीक ठाक है, इतना बुरा भी नहीं है। और सेकंड पार्ट है आखिरी ध्रुव, ये देखिए, ये वो सीन है जिसमें ध्रुव फ्यूचर में गया हुआ था। और कुछ कुछ इसमें कॉमेडी एलिमेंट्स भी हैं जिसको देखकर आपको बहुत हंसी आएगी पढ़ने में। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट कॉमिक के बारे नेक्स्ट सीरीज के बारे में बात करें तो वो है ऑल्टर ईगो सीरीज। जहाँ तक मुझे याद है कि ये ध्रुव की पहली ऐसी सीरीज थी जिसमें बहुत डार्क थीम को यूज़ किया गया था। मतलब एक तरह की आप मान लीजिए कि डार्क स्टोरी है इसमें, जिसमें ध्रुव का ही एक हमशक्ल देखने को मिलता है इस सीरीज़ में, जिसका नाम होता है एक्स। और इस कॉमिक के फर्स्ट पार्ट का नाम है ऑल्टर ईगो, सेकंड पार्ट का नाम है एक्स। इसमें भी मतलब जो क्लोन होता है वो ध्रुव से क्लोन मान लीजिए या फिर उसको आप हमशक्ल मान लीजिए, जो भी है वो ध्रुव से नफरत करता है। और पूरी स्टोरी का प्लॉट भी इसके आसपास घूमता है, लेकिन एक डार्क वे में। मतलब बहुत मुझे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है ये सीरीज़। और इसके अलावा एक और जो इस पार्ट में जो मेरा सबसे फेवरेट पैनल है वो ये है। मतलब जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें क्या होता है कि जो गुंडे होते हैं वो नागराज और डोगा की बुराई करते हैं, जिस मतलब पीछे ये ध्रुव खड़ा हुआ है, और वो सिर्फ इसी बात से इन दोनों को पेल देता है। और ये देखिए, जहाँ पर ध्रुव ये बोलता है, एक मिनट, मैं ज़्यादा कठोर होना तो नहीं चाहता था,
और मेरे मित्र नागराज और डोगा का अपमान करने का खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। ये सेकंड पार्ट है एक्स। हालांकि मज़े की बात ये है कि जो ये कॉमिक है वैसे ये 40 रुपीज़ की है, लेकिन मुझे ये उस टाइम 20 रुपीज़ में मिल गई थी, और वो भी इसलिए कि सेकंड हैंड कॉमिक है ये। तो चलिए दोस्तों, कि इस जो इसके नेक्स्ट सीरीज़ के बारे में बात करूँगा वो इसके ही कंटिन्यूशन है इस सीरीज़ का, वो है कोड नेम कॉमेट सीरीज, जिसका पॉपुलर नाम है सिटी विदाउट ए हीरो सीरीज। और ये भी मतलब चार पार्ट की सीरीज है, जिसके फर्स्ट पार्ट का नाम है कोड नेम कॉमेट, सेकंड पार्ट का नाम है ब्रेकआउट, थर्ड पार्ट का नाम है मैक्सिमम सिक्योरिटी, फोर्थ पार्ट का नाम है लास्ट स्टैंड। अभी हाल ही में इसका भी कलेक्टर एडिशन आने वाला है, मतलब इसके रीप्रिंट्स तो आ चुके हैं, अब इसका कलेक्टर एडिशन भी जल्दी ही आएगा। और इस स्टोरी का मतलब स्टोरी का आर्ट वर्क स्टोरी और आर्ट वर्क सॉरी स्टोरी और आर्ट वर्क दोनों ही बहुत बढ़िया है। मतलब अगर आप ये सीरीज़ पढ़ने बैठोगे तो आपको लगेगा कि आप 3-4 घंटे की एक मूवी देख रहे हो। बहुत ज़्यादा सस्पेंस होता है, बहुत एक्शन होता है, और इसमें भी दो दो ध्रुव का चक्कर रहता है। मतलब कॉन्सेप्ट मतलब आपको चाहे थोड़ा बहुत सेम लगे कि दो ध्रुव वाला कॉन्सेप्ट, लेकिन स्टोरी अलग अलग तरीके से दिखाई गई है और काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाई गई है। थर्ड पार्ट का नाम मैक्सिमम सिक्योरिटी। हालांकि मैं चाहता हूँ इस सीरीज़ के बारे में काफ़ी बात करना, लेकिन मैं क्योंकि ये लेटेस्ट में आई थी तकरीबन 2013-14 में, और वैसे काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने ये सीरीज़ पढ़ी ही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पुराना ध्रुव ही पसंद है, मतलब जो अनुपम जी बनाते थे वो। और लास्ट पार्ट में ये एक मल्टी स्टार कॉमिक बन जाते हैं, जिसके देखिए आप परमाणु को देख सकते हैं और पीछे आपको नागराज देखने को मिल जाएगा, शक्ति और इंस्पेक्टर स्टील। हालांकि मैंने इस कॉमिक में डोगो को काफ़ी मिस किया, क्योंकि मुझे लगा था कि डोगो भी पक्का आएगा ही आएगा, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, जैसे जो भी था काफ़ी अच्छा था ये, मतलब ये पार्ट पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया था। इस मतलब ये सीरीज़ एक्शन से पूरी भरी पड़ी है और सस्पेंस से भी। और हालांकि इसके बाद ध्रुव की बहुत सारी सीरीज़ और कॉमिक आई है, लेकिन उनमें से मुझे कोई इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगी। अगर लेटेस्ट के हिसाब से बोलूं तो कोड नेम कॉमेट सीरीज़ मेरी लेटेस्ट फेवरेट सीरीज़ है ध्रुव की। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।